फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ट्रेन के रेक का वीडियो लेकर आए हैं। खाली रेक है जो लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पार्क किया गया है। तो सामने देख सकते हैं इस ट्रेन के डिब्बे पर लिखा हुआ है नॉट फिट फॉर पैसेंजर सर्विस, यानी कि ये जो कोचेज़ हैं जो रेक खड़ा हुआ है लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, तो ये सभी डिब्बे अपनी आयु पूरी कर चुके हैं। तो ये जो ट्रेन आई हुई है इसमें ज़्यादातर एसी कोचेज़ हैं और कुछ स्लीपर क्लास के कोचेज़ भी हैं। हम आप लोगों को कोचेज़ पर दिखाएंगे कि इनका निर्माण किस वर्ष किया गया था, कब तक वापसी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो निर्माण वर्ष है वो 2000 लिखा हुआ है, स्पीड लिखी हुई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वापसी लिखी हुई है वो 7/2023। अब यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा है नॉट फिट फॉर पैसेंजर सर्विस। तो इन सभी कोचेस की जो लाइफ है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे भी देखिएगा, निर्माण वर्ष 2001 और जो वापसी रखी गई है वो 7/2023, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ICF कोचेस। तो इस तरह के जो रेक होते हैं वो कई स्टेशन पर पार्क किए जाते हैं, लेकिन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर पहली बार यहाँ पर इस तरह के रेक पार्क किए गए हैं जो पैसेंजर के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि जो कोचेस पर लिखा हुआ है कि वापसी 2023 में, लेकिन उससे पहले ही ये वापस हो गए हैं, और शायद रेलवे ने जांच के बाद, इसकी परख के बाद इन कोचेस को अनफिट घोषित कर दिया है और अब इनको यहाँ पर रात में पार्क कर दिया गया था। अब देखिए, ये 7/2023 के वापसी में इनमें लिखा हुआ है निर्माण वर्ष 2000, तो लगभग 20 साल के करीब में इन कोचेस की लाइफ होती है, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।